देश की छोटी बड़ी खबरों पर एक फटाफट नजर डालते हैं न्यूज नॉनस्टॉप में। इंदौर से खेड़ीघाट नर्मदा स्नान करने जा रहे 35 वर्षीय युवक को ट्रेन में कुछ युवकों ने जमकर पीटा और जान से मारने की नीयत से उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया। घायल युवक पप्पू को रेलवे ट्रक के पास नदी किनारे कालाकुंड के पास अचेत देखा गया। युवक को 108 एम्बुलेंस से इंदौर के एम्बा अस्पताल में लाया गया। संयुक्तगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चाइना के उत्पादों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। मंच के कार्यकर्ताओं ने राजवाड़ा पर बैनर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया और चाइना की वस्तुओं के विरोध में पर्चे बांटे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि चीन द्वारा भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, ऐसे में उसके उत्पादों का बहिष्कार होना चाहिए। विजयनगर थाने में फौजियों द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में उपभोक्ता संरक्षण परिषद की महिला नेत्रियों ने मौन धरना दिया। महिला नेत्रियों ने कहा कि फौजियों द्वारा पुलिसकर्मियों की बर्बर पिटाई और थाने में तोड़फोड़ निंदनीय है।